टुगेदर वी विल विन द कोविड चैलेंज. जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना. लव इच अदर, केयर इच अदर, हेल्प इच अदर. इस सीरीज में आज का टॉपिक है 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल्ड. दिल्ली से डिसीजन आ गया है. राजस्थान ने, एमपी ने, इनफैक्ट गुजरात ने डिसीजन ले लिया है कि 12th के बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे. तो रेट डिटरमाइनिंग है ये. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 12th रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी के लिए भी. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 12th रेट डिटरमाइनिंग होता है किसी के लिए भी. तो कितना सही है, कितना गलत है, और व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा, आज का टॉपिक हमारा यही है. पूरी अक्रॉस इंडिया से काफी एडुकेटर्स एंड और भी काफी लोग यहां पे जुड़ेंगे. एंड मेजर आज का जो टॉपिक है दैट इज 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, क्या जेई मेंस होगा, क्या एम्स होगा, क्या और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो होंगे तो कैसे होंगे, या ये थर्ड वेव से पहले का मास्टर स्ट्रोक है भाई. लोगों की जान बचाई जा रही है और लोगों, मतलब स्पेशली लोगों का ध्यान रखा जा रहा है. इस टाइप का ये स्टेप है. तो लाइक ये सभी बातें हमारे कंसर्न में रहेगी. अवनीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. शर्मा जी हरिद्वार से, प्लीज ओपन योर लाइक वीडियो. एंड रजनीश सर जो बायो के बहुत बड़े एक्सपर्टीज हैं, ये जुड़ चुके हैं. एंड शर्मा जी फिजिक्स के बहुत बड़े एक्सपर्टीज हैं. शर्मा जी मोस्ट वेलकम. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 12th का जो लिया गया है डिसीजन, ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो हमें याद है, जितना हमें इंफॉर्मेशन है, ऐसा कभी नहीं हुआ. रीढ़ की हड्डी है 12th इंडियन एजुकेशन सिस्टम की. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कहां जाएगा बच्चा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा. तो आप किस पर्सपेक्टिव, आप कैसे से देखते हैं? फैजी साहब जुड़ चुके हैं. फैजी साहब केमिस्ट्री के बहुत बड़े इंडिया के जाने माने. हेलो, नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार ऑडियो वाला. एंड बहुत बड़े टीचर हैं केमिस्ट्री के. एंड लाइक जो आज का हमारा कन्वर्सेशन है वो यही है सर. फैजी सर, मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि 12th जो कि रीढ़ की हड्डी है, लाइक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है किसी के भी कैरियर में. बिल्कुल मतलब कम से कम 1,000-2,000 जो बच्चे मेरे टच में हैं वो कंफ्यूजिंग, उनसे ज्यादा उनके पेरेंट कंफ्यूज हैं कि सर. और इनफैक्ट जो आईआईटी में बच्चे चले गए हैं वो भी कंफ्यूज है सर. लास्ट ईयर हमने 2.5 लाख रुपए दे दिया, एक दिन बच्चा नहीं गया, क्या इस साल भी दें या नहीं दें. तो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स का कैसे जा रही है, तो वन बाई वन हम इस पर बात करेंगे. शर्मा जी के इनपुट पहले लेना चाहेंगे. शर्मा जी प्लीज, आप तो स्कूल एजुकेशन से भी काफी जुड़े हुए हैं. Yes, sir. Good evening to all of you. Good evening. Yes, please. Hello. Yes, yes. Are you hearing me? Audio, video, both are clear to you? Yes. Okay, yes, sir. The decision has been taken by CBSE board and including the government, central government of India. There are many reasons that such type of decision is required at this stage. The first thing is that due to this pandemic, that is COVID-19, is a very dangerous type of disease. In fact, this is a infection. So it goes through from one person, may go through from one person to another. So regarding, as far as this point is concerned, this is the right time to postpone the exams, or because it was going to delay too much. So it was better to cancel the examinations and to adopt some another system. And the system they have adopted, that they will count the performance of last 3 years of a students. The main thing is that they will count the last 3 years performance of a students. मेरा एक क्वेश्चन ये है सर. यस सर. ये क्वेश्चन ये है कि जैसे एग्जाम, जैसे जेई मेंस के बारे में मुझे मालूम है, तो जेई मेंस का एग्जाम 4-5 दिन में 10 लाख लोगों को हो जाता है. आप अगर उस दिन को 10 दिन की जगह एक्सटेंड करके मल्टीप्लाइड बाई 10 कर दो, या 4 दिन की जगह 40 दिन कर दो, तो 40 दिन में 1 करोड़ एग्जाम
एक करोड़ स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन मोड में, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, टेस्ट सेंटर पर बुला के प्रॉपर गाइडलाइन हो सकते हैं, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो ऑफ कोर्स दैट कैन बी कंडक्टेड। हाँ, तो उसको लेने की जगह कैंसिल कर देना, तो अल्टीमेटली क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पास ज्यादातर बच्चों के फोन आए, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो कहते हैं सर हम भी टॉपर बन गए, हमारा प्रिंसिपल हमें जानता है और हम भी टॉपर बन चुके हैं, लाइक हमारे भी नंबर आएंगे। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स, तो जो ये असमंजस आई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे यूपी गवर्नमेंट ने अभी भी स्टिल मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि वी विल सी, वी विल टेक द डिसीजन आफ्टर जुलाई सेकंड वीक। तो जुलाई मतलब अभी चीजें लाइनअप हो रही हैं, तो कहीं कुछ लोगों का ऐसा भी मानना, मेरे पास इनपुट आया एक्सपर्टीज का कि यार ये जल्दबाजी तो नहीं है, एक मास को आपने हो सकता है मास्टर स्ट्रोक हो, थर्ड वेव के अंगेंस्ट ये मास्टर स्ट्रोक हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल, बट मतलब थिंग्स, आप प्लीज इसको मेरे को थोड़ा सा क्लियरिफाई करिए। सर आई वुड लाइक टू आंसर योर दिस क्वेश्चन सर फर्स्ट, बिकॉज इंडिया इज मतलब इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है, इट्स नॉट ए सो स्मॉल कंट्री, मतलब छोटा कंट्री नहीं है, आप सिटी के अंदर बैठे हैं, बट देयर आर मेनी एरियाज विच आर रिमोट एरियाज एंड द मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द फैसिलिटीज एंड दे इवन डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट द ऑनलाइन सिस्टम प्रॉपरली, दिस इज द मेन रीजन, सो द ऑनलाइन टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड एट दिस स्टेज। व्हाट आई एम सेइंग, सो वी हैव टू कंसीडर ऑल द स्टूडेंट्स, वी आर लुकिंग ओनली फॉर द टॉप स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग, यू आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली सो दोस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड दे नो ऑल द थिंग्स व्हाट इज ऑनलाइन व्हाट इज ऑफलाइन, दे कैन गो थ्रू दैट ऑल दीस थिंग्स, दे कैन डू वेल नो डाउट, बट as far as each and every student is concerned, we have to consider all the students equal, whether he belongs to Assam, whether he belongs to Uttarakhand, whether he belongs to Himachal Pradesh. Tell me one thing, ke jo right jo 12th ka bachcha hota hai, most of the 90% students 18 plus hote hain, and meanwhile ek mahina hi hua hai abhi अभी ओनली एक महीना हुआ है और यहाँ एमपी में चुनाव हुए थे और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुए थे एंड कोविड गाइडलाइंस भी बहुत सारी रिलीज हुई हैं, तो अल्टीमेटली हमने उस सॉल्यूशन की तरफ गाइडलाइंस में एग्जाम की तरफ क्यों नहीं गए, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे हो सकता है कि इट मे बी द मास्टर स्ट्रोक के भाई, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स एट दिस स्टेज, पहला तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो चाहते नहीं कि एग्जाम हो। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी को ना पढ़ने वाला भैया वो नहीं चाहते, सो एंड मेनी स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग हु आर मतलब देयर हैविंग द गुड स्टडी एंड दे आर इंटेलिजेंट आल्सो, दे कैन स्कोर वेल, और वो चाहते हैं कि एग्जाम हो, सो देयर विल बी कंट्रोवर्सी एग्जाम द अमंग द स्टूडेंट्स आल्सो। व्हाट आई एम सेइंग लेट मी एक्सप्लेन द थिंग्स, जो लोग चाहते हैं कि एग्जाम हो वो क्या है, वो कम होते हैं, क्यों पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी भी कम होते हैं, स्कूल में जो टॉपर टाइप के बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो कम होते हैं, मैं जो ये डेमोक्रेटिक नहीं है कि ज्यादा वोट पढ़ाएंगे तो जीत जाएगा, यार क्लास में ज्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है कि इतने लोगों ने तो आप सिस्टम को ही आप लाइक कोलैप्स वाली सिचुएशन में लाके खड़ा कर दें। एक्चुअली प्लस टू इज एन इंटरमीडिएट स्टेज। ओके यस, हाँ सर, प्लस प्लस सर का एक बार इनपुट ले लेते हैं अभी सर प्लीज। हाँ, there are majority of the students who are not interested for go to exams at this time. वो नहीं चाहते कि अभी एग्जाम हो और उनका इंटरेस्ट इसमें बहुत कम हो चुका है, so such type of students have gone to the court and court's verdicts are in the favor of such students, but there are many students who are preparing well, not in favor of such type of decisions. वो इस तरह के decisions की favors में नहीं है. They are in fact still they are interested for exams. वो आज भी exams के लिए favor में है. And the such types of students, due to only such types of students, the CBSE board is giving an opportunity that if a student is interested to write the examination, then he can go through writing the examination. तो वो write कर भी सकता है examination. उसके लिए उन्होंने एक opportunity इसलिए रखी हुई है. Still we are waiting for अभी instructions to be given by the अभी clarity ये clarity नहीं आई है कि how to move clarity नहीं है
But it is expected this type of restrictions may be coming. Okay. Because I was looking at the many decisions which have been done by the higher authorities, that such types of diseases will come out. ऐसा निकाल रहे हैं जिसके थ्रू वो उसको फ्रिज कर पाए. आई गॉट इट. थैंक. बहुत अच्छा सर आपने बात बताया. एक बार फैजी साहब के इनपुट लेते हैं. आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चन लोगों के रहेंगे. मैम है और वर्षा यादव मैम है और सैर मैम है और रिद्धि मैम है या नदीम साहब हैं या और भी कोई हैं तो जो अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो अभी एंटरटेन करेंगे अपन. फैजी साहब के इनपुट ले लेते हैं. केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं एंड प्लीज इन द सेम रिगार्ड. हेलो आवाज पहुंच रही है सर. हाँ या ऑडियोबल. यस सर. देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक वर्ड है इलेक्शन और एक वर्ड है सिलेक्शन. एक वर्ड यानी कि इलेक्शन की बुनियाद पे फैसले नहीं किए जा सकते कि भाई ज्यादा लोगों की क्या चाहत है. नहीं लेकिन पढ़ने वाले तो ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं. वर्षा मैम क्या सही बात है कि नहीं है? ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं भाई. बिल्कुल. तो ज्यादा लोगों की बुनियाद पर सही या गलत का फैसला नहीं हो सकता. यहाँ भाई ज्यादा लोगों ने कहा कि ये बात सही है इसलिए वो सही है. सही गलत एक आदमी भी हो सकता है सही हो और पूरी दुनिया गलत हो. वेरी गुड. इसके मतलब नहीं है. सही बात यह है कि एग्जाम होना चाहिए. अब प्रैक्टिकल बात यह है कि कैसे एग्जाम होगा. सही बात. देखिए रिमोट एरिया में सर में भी इलेक्शन करा लिए जाते हैं. रिद्धि मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं. यस जी. रिद्धि मैम प्लीज. यस सर मैं ये बोल रही थी. यस बोलिए. अब मेडिकल हियरिंग सारे मतलब आजकल ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे होते हैं सारे मतलब बच्चे ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मतलब नहीं देना चाहिए. जो अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना नहीं चाहते अगर फिर भी मतलब हो रहा है एग्जाम वो देना ही नहीं चाह रहे हैं तो सर इसका मतलब तो ये नहीं है ना जो मतलब ऐसे ही ले लिया जाए उनका. मान लीजिए जैसे MBBS हुआ अगर आवाज बहुत क्रैक कर रही है लोगों को अगर एग्जाम का ही एडमिशन होगी. देखिए मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ. एक बार प्रोफेसर साहब की बात सुन लेते हैं. रिद्धि मैम आफ्टर दैट क्वेश्चन. देखिए सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सही बात यह है कि एग्जाम होनी चाहिए. अब कैसे होगा प्रैक्टिकली? नहीं नहीं प्रैक्टिकली बात यह है सर एग्जाम खत्म हो चुका है. बात तो पूरी हो जाने दीजिए कमल जी. सर की बात तो कम्प्लीट हो तो समझ में आएगा. सुनिए बड़ी सीधी सी बात है. एग्जाम होना चाहिए इसमें इफ एंड बट नहीं हो सकता. और हम ये पूछ के एग्जाम नहीं होना चाहिए कि हाँ लोगों से पूछा जाए बच्चों से पूछा जाए पेरेंट्स से पूछा जाए इसकी कोई जरूरत नहीं है. एग्जाम होना चाहिए ये एक हकीकत है एक सच्चाई है कि एग्जाम होना चाहिए. अब होगा कैसे? देखिए हम रियल रिसोर्स नहीं जानते. वी आर नॉट इन गवर्नमेंट. हम ना कहते कोई गवर्नमेंट में है ना कोई IAS IPS ऑफिसर्स है कि मुझे रियल रिसोर्स मालूम. लेकिन हम देखते हैं अपनी खुली हुई आंखों से कि जब इलेक्शन होता है तो रिमोट एरिया में EVM पहुंचा दिया जाता है. जरूरत पड़ने पर नेट की व्यवस्था कर दी जाती है. क्या एग्जामिनेशन लेने के लिए ऑनलाइन जिन बच्चों को नहीं आता है 1 घंटे की ट्रेनिंग में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी. 1 घंटे से 2 घंटे की ट्रेनिंग में हो जाएगी. उसके बाद अपन लोग एग्जामिनेशन लेने की अगर इच्छा शक्ति होगी तो एग्जामिनेशन रिमोट एरिया में भी लिया जा सकता है. बिल्कुल सही. सकता है नेटवर्क से रिलेटेड गाड़ियां जा सकती है और एग्जामिनेशन लेने के लिए कुछ बच्चों को ऐसे इलाके में बुलाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रहा है ट्रेन नहीं चल रही है बस नहीं चल रहा है. वो इच्छा शक्ति का मामला है कि आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं.
इंडिया के अंदर अभी भी बसेस चल रही हैं, कुछ ट्रेनें स्पेशल भी चल रही हैं, कुछ कहते हैं ये मूवमेंट है, तो ऐसे कंडीशंस में एग्जामिनेशन लेने की व्यवस्था कराई जा सकती है। बिना एग्जामिनेशन के एक जनरेशन को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये तो पूरा का पूरा फुली फ्लॉप हो जाता है, सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। डिसीजन अगर हो चुका है तो ये मुझे लगता है कि पूरा एक जनरेशन के साथ नुकसान हो गया जनरेशन को। भाई आप एक बात बताइए, मुझे बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन एग्जामिनेशन से गुजर करके जो लोग निकलेगा वही बेहतर आगे परफॉर्म करेगा, उसके आत्मविश्वास का क्या होगा? अगर आप बिना एग्जामिनेशन के उसे आईआईटी में दाखिला करा दें, मेडिकल में दाखिला करा दें, मार्क्स की बुनियाद पे करा दें, तो वो आत्मविश्वास वाला डॉक्टर बनेगा? उसे कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमारे अंदर बुद्धि क्षमता है? नहीं होगा। तो पूरे एक जनरेशन को आप जो है आत्मविश्वास से टिका रहे हैं, इसलिए एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब अगर नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है, फैसला दोबारा भी किया जा सकता है, कुछ वक्त दे करके फैसले बदले जा सकते हैं। ऐसा कोई फैसला नहीं है कि जिससे कोई बहुत बड़ा बदलने में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। प्लीज बदला जा सकता है। आप कोई क्वेश्चन वन बाई वन अपन कर लेते हैं। सर से वर्षा मैम, आप प्लीज कुछ अगर पूछना चाह रहे हैं सर से या अवनीश सर से। जी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं सर की बात से पूर्ण सहमत हूँ कि एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि विदाउट एग्जाम आगे बढ़ना बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं खतरा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इन्होंने कहा कि आजकल इंटरनेट अवेलेबल है हर जगह, हम बाय इंटरनेट कहीं से भी एग्जाम करा सकते हैं, आजकल हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल है। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर अभी भी इंटरनेट की फैसिलिटीज जो है वो अभी तक नहीं उपलब्ध है, वहां पर टावर तक नहीं है, फिर इंटरनेट मूवमेंट पॉसिबल है, वहां पॉसिबल है लेकिन उसमें टाइम लगेगा, हर चीज पॉसिबल नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो आज भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जब तक कोरोना महामारी नहीं थी तब भी वो लोग इस तरीके की सिचुएशन का सामना कर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि शहरी क्षेत्र के युवा हैं, शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, वो तो आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र या फिर देहात क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं उनके भविष्य को ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो एक तो अपडेट नहीं रहते हैं, दूसरी बात ये है कि उनके लिए ये सिचुएशन पैदा होती है कि वो बाय इंटरनेट एग्जाम कैसे दें, क्योंकि फिजिकल आजकल अवेलेबल होना बिल्कुल भी ठीक मुनासिब नहीं समझ सकते हम लोग। नहीं मैम, हम मॉल में जा रहे हैं, हम सड़कों पे चल रहे हैं और कहते हैं हर जगह आना जाना है। ऐसा नहीं है कि जो जिस बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है वो बच्चे बाहर नहीं निकल रहे हैं, खूब बाहर निकल रहे हैं, दुनिया में सब जगह मूव कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एग्जामिनेशन दिलाया जा सकता है। रह गई बात रिसोर्स का, तो ये बड़ा अजीब सा बात है कि अगर कोई इंडिया में ऐसा इलाका है, गाँव है या कोई ऐसा जंगल या सुदूर इलाका है जहाँ सरकारी तंत्र उपस्थित नहीं है, तो ये मैंने आजादी के इतने दिनों के बाद तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। अगर नहीं है तो इसे युद्ध स्तर पर तुरंत उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। एजुकेशन को आप यूं ही नहीं छोड़ सकते, वो भी इंटरमीडिएट का एजुकेशन। और ये मैं ये जानता हूं कि सुदूर इलाके से लोग निकल करके अपने नजदीक के जिला हेडक्वार्टर आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं तो गवर्नमेंट वेकेंस प्रोवाइड करे, वहां से उन्हें लेकर गवर्नमेंट अपने खर्च पर आए, जहाँ ऐसी व्यवस्था है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, मैंने लास्ट ईयर जो है यूनिवर्सिटी बिहार जैसी यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जाम्स कराए थे और गांव तक के बच्चों ने एग्जाम लिखे थे। मतलब आप समझ लीजिए कि जो इतनी पिछड़ी जगह जहां पर कि बिल्कुल भी नेट की फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन बच्चों ने सब कुछ किया, मोबाइल पे फैसिलिटी थी, मोबाइल के थ्रू हम लोग पेपर डाउनलोड करते थे और यहाँ पर जो है करेक्शन करवा के सारा भेजा। लेकिन ये है कि बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम लोग को उसको और प्रमोट करना है, ना कि हमको एग्जाम्स को कैंसिल करना है। तो इससे तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ कि जो इन्होंने ये डिसीजन लिया है बिल्कुल गलत डिसीजन लिया है, और इनको इनको चाहिए कि बिल्कुल हम लोग को सजेशन देना चाहिए इन लोगों को कि भाई आप जो है एग्जाम्स कराइए और उसके डिफरेंट जो पॉलिसीज हैं वो क्या हो सकती हैं। वो मैं शर्मा जी से भी पूछना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन व्हाट काइंड ऑफ क्राइटेरिया शुड बी टेकन टू कंडक्ट द एग्जाम्स। तो अगर ये मेरा आंसर दें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने ओपिनियन रखेंगे ना, तो फिर सरकार तक भी हम लोग पहुंचा सकते हैं बात को। okay, भाई देखिए दीज आर द डिफरेंट ओपिनियंस एंड वी कैन डू अकॉर्डिंग। हां बताएं। यस मैम, वन क्राइटेरिया मे बी दैट
CBSE must hand over the question paper to the different schools. Okay, ma'am. So how the examinations can be conducted by the CBSE. Now the question is this, because many persons are willing to conduct in favor of the conducting of the examinations. So usko conduct karne ke liye kya procedure kya ho sakta hai? CBSE must hand over the question paper to the schools. Schools ko wo paper de de. And the school must be forced to conduct the examinations of only those students who are enrolled with the same school. Ek to ye procedure hai ki wo apne hi school ke bachcho ka exam khud conduct kar le, just like home examination. But the supervision should be carried out by some external another school. Other schools jo hai wo ja kar ke wahan par jo hai supervision kare. This is the possibility. And during the while conducting the examinations, we have to take many precautions, because if something mishappening occurs somewhere in any schools, that will be a big problem for क्या ये possible है कि overturn हो जाए decision, क्योंकि once एक बार decision हो गया central से, so it is now I think मतलब ये it's a final state board में कुछ possible है, otherwise CBSE board में I think tomorrow there is a hearing of Supreme Court. There is a hearing in Supreme Court. During that time, if someone interrupt in those things, or if put some his own views, only then that is possible. But Supreme Court is looking for the decision taken by the central government. So I think so this is not possible final, right now. The decision will remain same. Nadeem sir, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा ये कहना decision तो जो हो गया वो तो हो गया. लेकिन जैसा एक्सपर्ट का मानना है, सभी का कहना है, हम लोग रोज डिबेट कर रहे हैं, उसके अंदर सारी जानकारी आ रही है कि ये कोरोना जो है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि तकरीबन 5 साल चलेगा. तो अगर ये 5 साल चलता है, 2025 तक चलता है कोरोना, समझ रहे आप मेरी बात को, तो क्या सारे बच्चों को इसी तरीके से हर साल यही किया जाएगा? नहीं नहीं, वैक्सीनेशन पे फोकस करेंगे वो, सबको वैक्सीनेशन. बात वैक्सीनेशन की नहीं हो रही है, बात यही है कोरोना वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है ना. नहीं, वो बहुत कम केसेस है, ऐसा मान के चला जाएगा कि वैक्सीन से आदमी सिक्योर होगा. वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है. एक चीज, वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो रहा है, वैक्सीन के बाद भी लोगों की डेथ हो रही है. एक्चुअली क्या है कि जो 90% जैसे अमेरिका में, वी शुड मूव ऑन विद दिस कोरोना, सो वी हैव टू प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट. ऐसा नहीं है मैम, एक्चुअली क्या है कि वैक्सीन का क्वालिटी, जैसे जैसे अमेरिका में 70% लोगों को वैक्सीन हो गया, वैक्सीनेशन हो चुका है प्रॉपर, तो वहां पर सारी एक्टिविटीज प्रॉपरली हो रही हैं. और यहां पर भी क्या है कि एज जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीनेशन है वो ज्यादा ही होगा. जो इससे क्या कहते हैं, खराब हुए केसेज हैं वो तो हर चीज में होते हैं भाई अल्टीमेटली, लेकिन वो काफी फ्यू हैं. लेकिन वैक्सीनेशन से चीजें आगे जाएंगी. मतलब कहीं ना कहीं ये भी ऐसा भी हो सकता है कि जो IIM और IIT ने थर्ड वेव के लिए चांस बताया है कि थर्ड वेव अक्टूबर में आ जाएगा, तो उसके लिए इट विल बी द ये मास्टर स्ट्रोक हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई बहुत ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए ही ऐसा. ये तो भविष्य में, मतलब अभी हम कह नहीं सकते कि क्या करेक्ट है क्या गलत है. लाइक दैट आई थिंक सो. यस यस, सीधा सा फंडा ये है कि हमारे सामने दो सिचुएशंस है, इधर कुआं इधर खाई. तो दोनों को गवर्नमेंट को बैलेंस्ड बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना से निपटना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इस चीज से निपटना कि आगे चल के बच्चों का भविष्य क्या होगा. क्योंकि अभी के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनसे ही हमारे देश की तरक्की होगी, वही हमारे देश का भविष्य होंगे. लेकिन आज ही अगर हम लोग नींव ही खराब कर देते हैं, तो इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वो बहुत घातक होने वाले हैं. तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें हैंडल कर चलनी चाहिए. जो आज के दौर में सिचुएशन है, कोरोना भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए और उतनी ही बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हुआ जाए. बिल्कुल, आप ये सोचिए कि प्लस टू को जो है इंटरमीडिएट परीक्षा क्यों कहा जाता है, क्यों इंटरमीडिएट, बिकॉज़ दिस इज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंड, तो इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर सबको फोकस होना चाहिए, कोई भी इनको क्राइटेरिया निकालना चाहिए. आप ये सोचिए कि हम लोग ने ऑनलाइन एग्जाम्स कराए थे, जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं थी वहां बच्चे कंप्यूटर सेंटर पे भी जाते थे, तो कंप्यूटर सेंटर पे भी यहाँ पर तो 300-300, 1000-1500 की फैसिलिटीज है किस सेंटर पे. शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, शर्मा जी प्लीज, क्या शर्मा जी क्या कह रहे हैं प्लीज. सर देखिए, एज फॉर एज सिस्टम इज कंसर्न, बिकॉज हमें सिस्टम को पूरे डिस्ट्रॉय तो नहीं होने देना है. इफ वी विल डिले मोर फॉर द एग्जामिनेशन, अगर हम लोग और डिले करते हैं तो नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्टर्ब, तो वो पूरा एक सिस्टम ही बिगड़ने लगेगा. सो एट दिस स्टेज इट विल बी बेटर टू हैव सम
डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन एंड टू फिनिश द सेशन इन टाइम. वो टाइम से सेशन को अगर फिनिश कर दिया जाए और फिर नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट किया जाए, ये तो इस वक्त रिक्वायरमेंट है. बहुत अच्छी बात कही है कि एक टाइमली चीजें हो जाएंगी तो कम से कम मॉडल तो बना रहेगा. मतलब मॉडल ही खराब हो गया, आपने साइकिल ही खराब कर दिया. जैसे लास्ट सेशन में हुआ कि साइकिल ही खराब होता जा रहा है, तो साइकिल एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो वो दिक्कत है. अब इसके कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोई एक पैरामीटर ऐसे बनाए जिसके थ्रू वो एग्जाम तो हो लेकिन इस तरह का एग्जाम ना हो. इसमें एक चीज और भी है, अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इनका ये जो डिसीजन है कि अगर थ्री इयर्स लास्ट थ्री इयर्स का स्टूडेंट का अगर वो परफॉर्मेंस काउंट करते हैं 10th का 11th का एंड अप टू द प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस ऑफ 12th, तो अगर ओवरऑल इफ द स्कूल इज स्ट्रिक्ट, इफ द स्टाफ इज स्ट्रिक्ट, टीचर्स आर स्ट्रिक्ट, देन दिस सिस्टम विल बी बेटर देन इवन देन द एग्जिस्टिंग सिस्टम. तो ये एग्जिस्टिंग सिस्टम से भी अच्छा है, बुरा नहीं है ये सिस्टम. क्यों? क्योंकि उसमें आप लास्ट थ्री इयर्स का परफॉर्मेंस लेकर के चल रहे हैं स्टूडेंट का, वो थ्री आवर्स का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि थ्री आवर्स में अगर कोई बच्चा बीमार है तो वो भी कंडक्ट करेगा बेकार. इसका जो टेम्परेरी सॉल्यूशन जो बनाया है वो ऐसा नहीं है कि रैंडम है, इट्स एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट ऑफ लास्ट थ्री इयर्स. लेकिन अगर कोई बच्चा 10th में अच्छा नहीं है, 11th 12th में मेहनत कर गया, तो फिर उनके लिए तो दिक्कत हो गई ना सर. मैंने कभी रिसेंटली जो है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स करवाया था, तो उसमें क्या किया था कि एक जो सॉफ्टवेयर इस तरह का डेवलप किया था कि जिसमें हमने जो है सपोज 100 क्वेश्चंस लिए हैं, तो 100 क्वेश्चंस वो एक क्वेश्चंस आता था, बच्चा उसको सब ऑब्जेक्टिव होते थे, उसको अटेम्प्ट करता था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी स्क्रीन पे आता था, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस तरह से भी इवैल्यूएशन किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सारी पढ़ाई हो रही है, तो व्हाई नॉट ऑनलाइन एग्जाम्स आल्सो वी कैन कंडक्ट. तो अगर करना चाहे तो ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर अगर वो करना चाहते तो समय भी था सर, समय भी था, ऐसा नहीं कि ये आज का फैसला है और दो चार. लेट मी एक स्टेटमेंट मैं कहना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नई शिक्षा, जैसे आईआईटी मुंबई के कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि नया रेलवे सिस्टम के जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तभी हो सकता है जब कुछ दिन के लिए रेलवे सिस्टम बंद हो. तो जैसे 10th का गायब हुआ, टेंथ का बोर्ड गायब हो गया क्योंकि नई एजुकेशन सिस्टम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यस दैट दे हैव टू इंप्लीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव, यस आई नो, उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प हो रही हो, इसलिए कि नहीं 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 कराओ, कैसे भी कर दो, आगे चले देखते हैं, लेट अस सी. बिल्कुल बिल्कुल, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर, ऐसा तो नहीं है. फैजी साहब, आप आपका क्या इनपुट है प्लीज रिगार्डिंग दिस? सर नहीं, ऐसा ठीक है कि अगर नया सिस्टम करना है, लेकिन नए सिस्टम का इस अंदाज में इम्प्लीमेंटेशन मुझे नहीं समझ में आता है कि ये सही डिसीजन है. मैं नई चीजों के लिए पुरानी चीजों को कुचल नहीं दूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है, एक्चुअली ये इंटरनेशनली पूरा जो है वही फॉलो कर रहे हैं, और इनके जो क्वेश्चन पेपर्स पैटर्न हर चीज बिल्कुल चेंज रहेगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, तो ये उसी के हिसाब से सारा हर चीज करेंगे. यहाँ पर जैसे एक जमाने में होता था बहुत पोथा स्टडी ये वो, तो वैसा वाला अब रहा नहीं है सिस्टम. अब उसको अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो फिर वो सब कुछ चेंज होगा, पूरा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी सारी हर चीज, ए लेवल ओ लेवल जैसे होता था. तो मे बी दैट वुड बी द रीजन टू जस्ट और करना चाहूंगा कि 12th के बाद आईआईटी में बच्चे जाते हैं, और आईआईटी में आपने काफी बच्चे पढ़ाए हैं और मेडिकल के भी शर्मा जी आपने भी काफी बच्चे पढ़ाए हैं जी. तो आप दोनों से ये क्वेश्चन है कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं, आइदर एमआईटी हो, इनफैक्ट आईआईटीज भी हो, या सिंगापुर की कोई यूनिवर्सिटी हो, तो उन सब में कोई भी ऑनलाइन कोर्स थ्री इयर्स का जो ग्रेजुएट प्रोग्राम का कोर्स होता है उसकी फीस 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए में हो जाता है. लास्ट ईयर आईआईटीज में जो बच्चे गए जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया या मेडिकल में तो फीस 15-20 लाख तक ली गई, मतलब जैसे, और आईआईटी में भी फीस 2.5 लाख रुपए तक थी. तो वो 2.5 लाख रुपए, एक दिन भी बच्चा नहीं गया वहां कॉलेज, समझे, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन भी भेजी है. तो अब अगेन चैलेंज ऐसा आ गया है कि जो कोविड का अनसर्टेन बिहेवियर है उसकी वजह से, मतलब जो काम 20 हज़ार का है वो 2.5 लाख में हो रहा है यार. तो मतलब पेरेंट पे भी दोबारा से फीस का देने का नंबर आ गया. तो मतलब और ये बोर्ड कैंसिलेशन या ये सारी चीजें, टाइमली ना होना, क्लियरिटी ना होना,
आके अच्छे, तो क्लियरिटी ना होने से जो कम से कम कल से ले परसों से लेकर आज तक कम से कम 25 पेरेंट्स से मेरी बात हुई है 1-to-1, दे आर मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है यार, कंफ्यूज ही हो गए कि गधा घोड़ा सब एक जैसे हैं अभी, जिसकी आप जानते ही हैं जो आईआईटी की बच्ची तैयारी करता है या मेडिकल की एंट्रेंस की तैयारी करता है वो स्कूल नहीं जाता, स्कूल से स्कूल के टीचरों से उसके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, तो दे आर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट भी नहीं होते वो इनफैक्ट डिलीवरी में, तो वो उनके रिलेशन भी अच्छे नहीं होते हैं। अब जो मार्क्स हैं वो पूरे पूरे रिलेशन बेस्ड है यार, स्कूल में जो जिसके रिलेशन अच्छे होंगे उसे अच्छे नंबर मिलेंगे आप, बिल्कुल सही कहा। तो ये जो अच्छे बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ाई करते हैं उनके सामने बहुत बड़े, शर्मा जी आप बताइए, समझ चुके हैं आप मेरा क्वेश्चन? हाँ देखिए, उसमें ये पॉइंट तो आपका सही है क्योंकि स्कूल के साथ या किसी भी कॉलेज में कोई भी अगर स्टूडेंट जाता है, ये हैज टू कीप द बेस्ट रिलेशन विद द टीचर्स आल्सो, इफ ही विल नॉट बी गेटिंग द हैविंग द बेस्ट रिलेशंस तो उसको जो असाइनमेंट्स होते हैं उसके मार्क्स तो उसको मिलेंगे नहीं, ठीक है। जो इंटरनल असेसमेंट होता है होते हैं उनके रिलेशन 12th में अच्छे नहीं होते, आप भी जानते हैं बात, बहुत बच्चे तो जाते ही नहीं है स्कूल, हां स्कूल में जाते ही नहीं है, बट बाय अवॉइडिंग द मार्क्स इफ यू आर ए गुड टीचर then you will not consider about that factor. उसमें एक चीज है, मैंने आपको बोला ना उसमें different, उसमें अलग अलग labs होते हैं, मैंने आपको बताया कि जब आप 3 साल का evaluation कर रहे हैं तो आपको शुरू से एक structure बना के चलना होगा, उसमें आपको attendance के marks अलग से रखने पड़ेंगे, टेस्ट असाइनमेंट्स के मार्क्स अलग से रखने पड़ेंगे, मतलब रेगुलरिटी जो है स्टूडेंट्स की वो भी काउंट करनी पड़ेगी। से पिछले एक साल में एक दिन बच्चा नहीं स्कूल गया है, काहे की रेगुलरिटी यार, जो घर पे रह रहा है वो ज्यादा अच्छा है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस थे, व्हाट टाइप ऑफ रेगुलरिटी यू आर टॉकिंग अबाउट? पहले वाले सिस्टम के, अब एट प्रेजेंट जो सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, ये जैसे मैंने बताया कि लास्ट 3 इयर्स का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तो उसमें तो इस तरह के बच्चे को उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, फर्क तो पड़ेगा। अच्छे बच्चों की रेट लगा दी आपने यार, बिल्कुल लगेगी, लेकिन ही हैज, देखो एक चीज और भी है, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जब आप किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोफेशनल डिग्री पूरी कर ली, इंजीनियर है आप इंडस्ट्री में गए, आप मेडिको हैं तो आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, देन यू वर्क विद योर कोलीग्स, ठीक है ना, अगर आप वहां पर अपना बिहेवियर अच्छा नहीं रखोगे, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करोगे, तो आपको कौन लाइक करेगा? कोई भी लाइक नहीं करेगा। नहीं नहीं, ये तो अभी अभी यार आइए बताओ, आप बहुत सारे बच्चों को टीच किया, जो बच्चा कोचिंग एक्सपर्टीज से पढ़ रहा होता है बहुत सारे, तो उसमें क्या है कि वो सिर्फ और केवल साइन थीटा कॉस थीटा इन्हीं तक कन्फाइंड है, वो उससे आगे नहीं गया इसका मतलब, वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं गया ना, तो ये उसको ड्रॉबैक तो उसको फेस करना पड़ेगा। हाँ ड्रॉबैक उन लोगों से जो जाके, फैजी साहब आप बताइए, अच्छे बच्चों का लॉस हो रहा है, जो ऑल इंडिया 10 था तो वो किसी दिन स्कूल गया था क्या? मैं नहीं गया भाई, तो अल्टीमेटली क्या है कि मैं ये बता रहा हूँ कि कुछ अच्छे बच्चों का तो काफी लॉस हुआ है इसमें, मतलब जो डिसीजन है। देखिए सर, देखिए हम लोग सिर्फ और केवल अच्छे बच्चे किनको काउंट कर रहे हैं, उन्हीं को काउंट कर रहे हैं जो सिर्फ और केवल न्यूटन्स लॉज अच्छा कर सकते हैं, वर्क एनर्जी एंडोथर्मी और ये सब। आप ये अच्छे कह रहे हैं कि जाके मैडम गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, मतलब ये जो है वो भी एक अच्छाई वाली मतलब वो कैटेगरी है, पॉजिटिव पॉइंट होता है सर, दैट बिहेवियर आल्सो काउंट्स इन योर लाइफ आल्सो। देखिए सर, अगर मैं आपसे कुछ अच्छे से बात नहीं करूंगा देन यू विल लाइक मी? नेवर, यू विल नेवर लाइक मी। इसीलिए स्कूल स्कूल जो बनाए गए हैं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है सर, कि वहां पर बच्चा जाता है, हर चीज अच्छा इंसान और अच्छा इंजीनियर, ये दो अलग अलग बातें। यस सर, अच्छा इंसान और अच्छा डॉक्टर अलग अलग बात है, अच्छा डॉक्टर अच्छा इंसान हो बेहतर है, लेकिन जब आपको बीमारी दिखाना है उस वक्त आप अच्छा इंसान नहीं अच्छा डॉक्टर देखेंगे, और हम इंजीनियर या मेडिकल के लिए अच्छा इंसान नहीं अच्छा डॉक्टर बना रहे होते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो अच्छा इंसान भी हो। लेकिन सर वो अच्छा डॉक्टर तो तभी बनेगा जब वहां पर जाकर के लैब में जाकर के प्रैक्टिकल करेगा, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो घर में थोड़ी पढ़ के नहीं अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। सर यहाँ पे एक जैसे एक क्वेश्चन और है कि क्या अवनीश शर्मा जी आंसर देंगे, ये मुझे बताइए कि जो फ्रिज है फाइनल रिजल्ट है, जैसे अभी 1 जून है, आज 2 जून है, 2 जून है, तो जो भी पैरामीटर बनेंगे मार्क्स के वो 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे, इनफैक्ट बोर्ड में तो नहीं हो रहे, जो सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और क्या जेई मेंस और मेडिकल एंट्रेंस होगा, मुझे ये बताइए, दो चीजें बताइए। हाँ
जेई मेंस का तो खैर ऑलमोस्ट दो राउंड तो हो चुके हैं उसके, दो तीन राउंड है ना, तो जेई मेंस की तो कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर हाँ एडवांस की रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट जरूर है, आईआईटी एडवांस मस्ट बी कंडक्टेड, एडवांस का होना चाहिए। पहला जो क्वेश्चन था जो फाइनल रिजल्ट 12th बोर्ड का है, किसी भी तरीके से वो कब तक आ जाएगा, मतलब ये अच्छा है। अभी उन्होंने एक महीना हो गया है, दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ क्लास 10, ये अनाउंस करने से पहले प्रिपेयर करना चाहिए ना। 30 जून तक तो उन्होंने एडवांस हो सकता है सर, तो फिर सीबीएसई बोर्ड क्यों नहीं, क्या सर वो अगर यही एडवांस हो सकता है तो बोर्ड क्यों नहीं। हाँ, उसमें यही एडवांस में भी सर सुदूर प्रांत और बहुत दूर रिमोट एरिया के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। हाँ बिल्कुल होंगे सर, बिल्कुल होंगे, बट इवन फॉर एडवांस एग्जाम दे हैव टू गो थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशंस, वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है सर, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी पहले से ही प्रोसीजर डिसाइडेड है। फाइनल रिजल्ट है जून एंड तक आ जाएगा 12th बोर्ड का, आई थिंक सो, मतलब एनीहाउ पहले तो बोर्ड के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। 10th की उन्होंने लास्ट डेट दी है कि 30th ऑफ जून तक कंप्लीट कीजिए, नेचुरली आफ्टर 15 डेज वो डिक्लेयर होगा, तो 15th जून के आसपास, 15th और 20th जुलाई के बीच में 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होगा, पहली चीज। एंड रिजल्ट ऑफ बिकॉज अभी इंस्ट्रक्शंस 12th की तो कोई ऐसा मूव हुई नहीं है, 12th की अगर इंस्ट्रक्शंस आ भी जाती है तो आप ये कंसिडर कर लीजिए कि अगर विद इन 10 डेज इंस्ट्रक्शंस आती है, इट विल टेक अप टू जुलाई एंड, तो 15 अगस्त तक उनका रिजल्ट आएगा, मतलब ये देन, हाँ एक महीने का डिफरेंस तो रहेगा 10th और 12th के रिजल्ट। ओके, अगर कोई परफेक्शन इन्होंने थोड़ा सा और फास्ट कर दिया तो हो सकता है कि जुलाई एंड तक भी 12th का रिजल्ट आ जाए, बट इट विल टेक सम टाइम बिकॉज द स्कूल्स हैव टू प्रिपेयर द रिजल्ट्स, एक महीना तो स्कूल को भी रिजल्ट बनाने में भी लगेगा, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे रिजल्ट, फिर 15 दिन उसका, तो डेढ़ महीना तो आप मान के चलिए मिनिमम 12th के रिजल्ट के लिए। मैम और कुछ आप पूछना चाहते हैं वर्षा मैम, मतलब फैजी साहब से, या कोई क्वेश्चन आप प्लीज जी। सर क्वेश्चन मेरा यही है कि अब आगे चल के बच्चों का जो भविष्य है, सीधा सा अभी हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो यही है कि अभी जो एग्जाम रद्द हुए हैं, एग्जाम नहीं होना है, उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो सीधा सा फंडा ये है कि अब आगे चल के क्या कंक्लूजन निकाला जाए कि ये जो एग्जाम है वो ठीक तरीके से हो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमें ये नहीं देखना है कि कोविड क्या है या बच्चे का जो एग्जामिनेशन का जो फंडा है वो क्या है, लेकिन बच्चे का भविष्य क्या होगा इसको लेकर हमें बात करनी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि अब उसका तो ये है मैम, आज से 10 साल बाद ही होगा, कोविड टाइम का बच्चा है उसको रिजेक्ट किया जाएगा, मतलब हाँ ये मैं इसके बारे में आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, क्योंकि जो प्राइवेट एमएनसीज वगैरह है, कुछ एमएनसीज ऐसा कर सकती है कि द स्टूडेंट्स हु विल पास इन दिस सेशन उनको बाहर कर देंगे, हो सकता है वो रिजेक्ट कर, बाद में बिल्कुल बाहर कर रिजेक्ट करेंगे, वो तो फाइनल है, हाँ बाद में कर, गवर्नमेंट आप तो नहीं करना चाहेंगे नदीम सर। नहीं मेरा तो एक ही मानना है, जिस तरीके से अगर ये अभी चल रहा है और अभी हम अभी सेकेंड वेव्स आ चुकी है, तीसरी भी आने वाली, चौथी भी है जैसा एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो ये तो हर बार ही होना है, हर बार बच्चों के साथ में ये होता है, तो वो बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस होगा, मुझे इस बात की ज्यादा वो जीवन का है, वैक्सीनेशन के थ्रू आगे इनका है क्राइटेरिया। आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अभी 4 साल चलेगा सर, तो वैक्सीनेशन अभी सर 100% कंफर्म नहीं है कि वैक्सीनेशन जो है इस बीमारी का हल है। हाँ हल भी नहीं है ना इसका, ये 100% कंफर्मेशन नहीं है। हमें तो ये सोचना है, हमें बदल रहे हैं सर, एक मिनट, हमें तो इस बीमारी के साथ जीना है, कैसे जीना है इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। नहीं वो रास्ता यही है, जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन ज्यादा परसेंटेज हो चुका है, जैसे अमेरिका में 70% हो चुका है, तो मैं कल भी मेरी बात हुई थी इनफैक्ट, तो वो बता रहे हैं कि वहां पर जो जैसे नॉर्मल चीजें चल रही थी वैसे ही चल रही हैं, जैसे ही वैक्सीनेशन का परसेंटेज बढ़ेगा तो जो केस बिगड़े हैं, लेकिन केस उस दिन भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि जिनकी जिनको कोप अप नहीं कर पाई चीजें, तो अदरवाइज वैक्सीनेशन अगर जब ज्यादा परसेंटेज में हो जाएगा तो फिर नॉर्मलाइज होने की संभावनाएं हैं। देखिए आप, मैं बताऊं आपको, भोपाल शहर के अंदर अभी 20% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और मैं आपको बता देता हूं, कमल सर एक सेकंड मेरी पूरी बात सुन लीजिए, इस वक्त कंडीशन ये है
कि भोपाल शहर में आज से एक महीने पहले जो कंडीशन थी भोपाल की, 2000 से ज्यादा पॉजिटिव आते थे, ठीक है, और आज जो है आज की जो रिपोर्ट आई है 191 पॉजिटिव। मैनेजेस भी बहुत हो रहे हैं यार, उसका तो क्या कर सकते। नहीं नहीं 191 बता रहा हूँ ना, भोपाल शहर के अंदर 191, इंदौर में 150-200, इससे ज्यादा नहीं है। तो वो रेशो खत्म हो चुका, लोगों की जो बहुत ज्यादा मतलब जो मौतें हो रही थी वो भी नहीं हो रही है इस वक्त। नहीं सर, एक्चुअली जैसे लेट मी जैसे मैं बताता हूँ आपको कि पहले आईआईटी एक्सपर्टीज ने प्रेडिक्ट किया था कि सेकंड वेव आएगी, तो गवर्नमेंट ने इसकी अनदेखी की और वो डाइल्यूट होते गए, तो वो सारी चीजें ओपन कर दी और बाद में उसका अपन लोगों को परिणाम भुगतना पड़ा कि अपने बीच के काफी साथी लोग नहीं रहे। लेकिन अल्टीमेटली अभी काफी जो एक्सपर्टीज है इंडिया में आईआईटी से, आईआईटी दिल्ली से एंड आईआईएम से, उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि अक्टूबर के करीब थर्ड वेव मुकाम पे होगी और इट इज मच मोर डेंजरस देन सेकंड वन। तो तब तक के लिए हो सकता है ये मास्टर स्ट्रोक ही हो और अल्टीमेटली एकदम बढ़े, पहले भी एकदम कम हो गए थे, सब गायब हो गए थे, फिर बढ़ गए, तो वी कांट प्रेडिक्ट अकॉर्डिंग टू दैट आई थिंक सो। बस इसी बात को लेके मैं कहता हूँ कि ये तो हर बार चलेगा सर, ये तो 3-4 साल चलेगी ये कहानी। नहीं चले भी रहेगी तो वो तब तक चलेगी जब तक वैक्सीनेशन है। ओवरऑल जो बेस्ट डिसीजंस ले रहे हैं उस डिसीजंस अब अपन लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि इससे दिक्कत है, ये है, वो है, हो सकता है, कर सकता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन शर्मा जी ने बताया तो वहां पर पूरी कमेटी बनी है, उसके बाद उस टाइप का सॉल्यूशन आया है। हम जैसे अपन जैसे लोग ही हैं, उन लोगों ने बताया कि एग्जाम, जैसे एक तो एग्जाम करवाया जाए और दूसरा ये है कि पिछले 3 साल का ट्रैक लिया जाए, तो 3 साल में तो और एवरेज लिया जाए और भी कुछ पैरामीटर रखे जाए, ओरल रखा जाए। और भी पैरामीटर्स हैं सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7% की कमेटी रहेगी, 5 सेम स्कूल के होंगे एंड 2 विल बी फ्रॉम अदर स्कूल सराउंडिंग। आफ्टर दैट इज अगर किसी को दिक्कत है, उस रिजल्ट में भी किसी को दिक्कत है जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है, उनके लिए एग्जाम भी हो सकता है। मतलब तो अल्टीमेटली जैसे हम, मैं, आप लोग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, इन द सेम वे वहां पर भी कमेटी बनी हुई है और टीम बनी हुई है, वो जो बेस्ट हो सकता है, जो ओवरऑल कंक्लूजन है, लेकिन कई बार वो बेस्ट हो सकता है अच्छा नहीं होता, मास में नहीं होता या कन्वे नहीं होता, लेकिन वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट डिसीजन जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। ये अपन लोगों का भी मुद्दा है, विश्वास करिए मैम नदीम सर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कांग्रेस हो या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो मौके का फायदा उठाने वाले नहीं है उनको छोड़ दें, तो वो सभी के सभी लोग किसी ना किसी डायरेक्शन में पॉजिटिविटी के साथ लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो। इन द सेम वे गवर्नमेंट भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट इज नॉट ट्राइंग, लेकिन गवर्नमेंट भी हम सब लोगों से मिलकर ही बनी है, हम सब लोगों उसके पार्ट है। एक चीज ये भी है ना कि जो सीबीएसई है ना उसका पैटर्न खुद इतना अच्छा है कि वो सीसी कराती है, एफए लेती है, तो उसके थ्रू वो एक्टिविटीज के थ्रू वो इवैल्यूएट कर सकती है बच्चों को। बट जो दूसरे बोर्ड है जैसे यूपी बोर्ड है या यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का भी क्लियर नहीं हुआ है, यूपी बोर्ड जैसे, लेकिन यूपी बोर्ड का जुलाई में डिसीजन लेंगे और एमपी बोर्ड गुजरात हुए हैं, उनके पेपर प्रिंट होके रखे हुए, वो लोग दे रहे हैं इस चीज को रिपोर्ट। मतलब हाँ, जो भी है तो लेकिन हाँ मतलब ये है कि बाकी बोर्ड में सीबीएसई में तो मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर इवैल्यूएशन करने पे ये आ जाएंगे तो, देखें क्योंकि सीसी और एफए जो इनके प्रोसेस है वो काफी अच्छी है। नहीं मैम जैसे एक्टिविटीज के बेस पे जो है, जब से एक जैसा हुआ है तब से मोस्ट ऑफ द कम से कम 60-70 बोर्ड हैं, उनके ग्रेडिंग सिस्टम जब से आ गई थी ना तब से काफी कुछ जो है इन्होंने वो कर दिया था, लेकिन ये है कि अब अगर ये पिछले अभी 2-3 साल पहले से क्या हुआ है कि कम से कम 70-80% जो बोर्ड है, जैसे राजस्थान ये हुआ, राजस्थान हुआ, एमपी बोर्ड हुआ, गुजरात बोर्ड हुआ, उनकी एक्टिविटीज, करिकुलम, इवन बुक्स, सब कुछ ही कैसा हो गया, सीबीएसई जैसा ही हो गया 100%। तो जिन लोगों का एकदम पैरेलल हो चुका है उन लोगों ने तुरंत ही डिसीजन ले लिए, कल इनका डिसीजन आया शाम का सीबीएसई का आया, उसके बाद 3-4 राज्यों के अभी तक आ गए। तो जिन लोगों में अभी मैचिंग नहीं है उन लोगों के डिसीजन वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ओवरऑल जो भी है, आज मेरी अभी भी एक बच्चे से बात हुई थी बेंगलुरु से, वो बता रहा था कि सर हम लोग पढ़ते थे तो 4-5-6 घंटे कोचिंग में रहते थे, 6 घंटे काम करते थे और कॉलेज में जाके भी इससे क्या कहते हैं काफी वर्किंग होती थी, अब हमें लग रहा है काफी दिन तक बॉस बना रहना पड़ेगा। मतलब ये है कि अब जो उनके कंपटीटर हैं, जो सेकंड जो लोग आ रहे हैं, जो अब जो आएंगे वो उतने कंपटीटर नहीं होंगे, ये रियलिटी है। मतलब लेकिन जो समय है तो उसमें जो बेस्ट हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली अपन को मूव करना है।
फैजी सर बहुत अच्छी बात आपने रखी कि एग्जाम तो जरूरी है, लेकिन वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ शर्मा जी से बहुत अच्छे इनपुट मिले। नदीम सर काफी अच्छा डिस्कशन आज का रहा, और मुझे लगता है कि एक बात छूट गया सर। हाँ बताइए बताइए। वो सामने आते आते रह गया, वो फीस का मामला नहीं हो पाया। तो आगे अपन इसमें फीस वाले जो सेशन, फीस वाली बात है, वो आईआईटी को 10-12 बच्चों 1000 एप्लीकेशन गई है यार जी। शर्मा जी हम एक सेशन आगे इस टाइप का बताता हूं आपको। सर बहुत सारे स्कूलों में क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ, इस टाइप का सेशन अपन आगे रखेंगे, और आज का सेशन अपन कंप्लीट करना चाहेंगे, काफी हो गया है। और थैंक यू, हाँ फीस बहुत इम्पोर्टेंट है तो उसको करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेशन हम इसका प्लान करते हैं, फीस को, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल की जो फीस है उतनी सर्विसेज नहीं दी हैं, तो वो रिड्यूस हो, कैसे भी रिड्यूस हो, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आगे हम सेशन रखेंगे। और सर एक बात, इस मीटिंग से हम सोसाइटी को और सरकार को कितना अवेयर कर पाएंगे? नहीं देखो, ऐसा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है फैजी साहब, और काफी चीजें जैसे कहीं ना कहीं थॉट होता है, और थॉट मैं ये चाह रहा था इस मीटिंग को आप लाइव कर दें। नहीं नहीं, ये लाइव जा रहा है, काफी जगह लाइव जा रहा है, और आई विल शेयर विद यू, और मल्टी प्लेटफॉर्म से जा रहा है, इनफैक्ट पीएमओ में भी डायरेक्टली, हाँ सब जगह इसको ट्वीट किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप लोग का भी सबका साथ चाहिए इसको और आगे बढ़ाए, ताकि लोग अवेयर हो और इस तरह के मुद्दे को और उठाया जाए। इसका मुद्दा ये है, वी कुड टुगेदर विन द कोविड चैलेंज। सर मेरा एक लास्ट रिद्धि मैम, आपकी जो वॉइस बहुत क्रैक करती है, पता नहीं नेटवर्क कैसा है। और आशीष सर आज काफी लेट हो गए, अगले सेशन नेटवर्क पास आ रही है। सॉरी सर मैं लेट हो गया, वो क्लास बहुत लंबी हो गई और वो क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं, अगले सेशन में अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। रिद्धि मैम का एक बार इनपुट लेते हैं, अगर आवाज आ जाए तो। हाँ सर, सर उसमें बोर्ड एग्जाम को कैसे लिया जा सकता था? जैसे आगे आगे बात करें, आगे आगे बहुत लेट हो गए आप, बहुत बातें हो चुकी है, प्लीज प्लीज बताइए, पूछिए रिद्धि मैम, बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी अकॉर्डिंग टू मी, अभी सारे लोगों ने बोला जो सर, आवाज सही नहीं आ रही है। आप क्या है, आप जो क्वेश्चन है वो मेरे को ड्राफ्ट करके भेजना, मैं आई विल डिस्कस। इनको बोलने का चांस दे दीजिए, ये जो ये है न्यूटन फिजिक्स, बाबा न्यूटन फिजिक्स को जो है चांस दे दीजिए एटलीस्ट, हम लोग जाने तो क्या कहना चाह रहे थे। 30 सेकंड टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए था, कैंसिल ही होना चाहिए। मैम आप मेरे को ड्राफ्ट करके भेजना, आवाज सही नहीं आ रही है आपकी। ये है जो सर, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। हेलो, उनको म्यूट कर दीजिए। हाँ यस कैरी ऑन। हाँ सर बोलिए, बस बोलिए, आप बोलिए भाई। हाँ सर, सर उस एग्जाम को कैसे लिया जा सकता था? देखिए एकदम से बिल्कुल कैंसिल करने से अच्छा था कि एक एग्जाम इनको ऑब्जेक्टिव पूरे पूरे फुल सिलेबस पे ऑब्जेक्टिव देना था, जो है जो टाइम बाउंडेड हो, जैसे कि हम लोग वो जो ऑनलाइन जो एग्जाम आईआईटी के होते थे वैसे होता था, और एक रिटर्न होना चाहिए था, और उसको जो है वो बच्चे लिख कर भेजते, उसका भी टाइम बाउंडेशन रहता। मैं एक आशीष सर प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ, जो आपने तरीका बताया है मेरे को एक ड्राफ्ट करके भेजिए, पीएमओ में भेज रहा हूँ, तो आई विल सजेस्ट दैट। ओके ओके, तो ये जो दोनों, ये जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दोनों जो लिया जाता उससे इवेल्युएट करके, मतलब अगर बच्चे कॉपी भी करते तो कुछ ज्यादा इतना खास फर्क नहीं आता। नहीं, मैं क्या कह, कॉपी इज नॉट द क्राइटेरिया, आप जो तरीका है उसको प्लीज आप भेजिए, आफ्टर दैट अपन आगे इस पर कंटिन्यू करेंगे। ये सही कह रहे हैं, वैसे इनका तरीका जो है बिल्कुल सही है ऐसा, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है एक सब्जेक्टिव होता है, जिसमें 4-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हाँ, तो काफी सारे हैं। और उनको उनको एक पैराग्राफ दे देते हैं, ताकि ये हो जाता है कि ये एट प्रेजेंट इन्होंने राइट कॉपी किया है, करने को बहुत कुछ की जा सकता है, लेकिन कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है। अब सकता नहीं है, वो हो चुका है यार कैंसिल, मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि वो चीज हैपेंड है, अभी ये है कि
उसका सब्स्टिट्यूट वो जो तरीका निकाल रहे हैं पैरेलल निकाल रहे हैं पुराने ट्रैक के हिसाब से निकाल रहे हैं और एग्जाम कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वो पक्ष में क्या, वो फाइनल डिसीजन ही आ गया है तो वो हो सकता है वो पहले वाली बात थी आई थिंक सो। हाँ तो उसी पे तो अपन बात करें। नहीं, वी विल फोर्स ना, वी शुड फोर्स के बहुत सी चीजें जो है चेंज की जा सकती हैं अगर सब लोग मास्क रिवर्ट किया रहे तो। हाँ ऐसा कोई तो डिसीजन नहीं है कि इससे कोई बहुत बड़ा हार्म हो जाएगा अगर वापस कर लिया जाए। नहीं नहीं यार साहब, लेकिन ये डिसीजन हो चुका है। अब वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ये है कि जो पिछले जो शर्मा जी ने बताया है कि जो पुराना ट्रैक है उसके हिसाब से कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए और क्यों वो फाइनल है मतलब, तो उसमें कुछ अगर इनपुट हो सकते हैं तो अपन ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। आप इंडिविजुअली प्लीज अगर कोई इनपुट देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे को भेजिए, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का अपन सेशन कंप्लीट कर रहे हैं एंड भाई वी टुगेदर विन द कोविड चैलेंज आप लोगों के सभी के भाई अगर कन्वे करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे तो चीजें जरूर सही होंगी। और इनफैक्ट ऐसा होता है कि एक एक डायरेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग होता है, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग होता है, डिस्कशन से पूरी बातें क्लियर होती हैं और ऊपर भी कमेटी बनी है तो ओवरऑल सारी चीजें काफी पॉजिटिव मैनर में जा रही हैं। और ये कंजुकेटिवली 17th एपिसोड है टुडे और बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है और काफी फायदा भी हो रहा है और हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर। गुड नाइट ऑफ ऑल यू।